मुंबई की झुग्गियों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट बंटवाना चाहती है बीएमसी, मांगी सरकार से इजाजत। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 9,152 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें एक्टिव केस की तादाद 7,987 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 308 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली, मुंबई, इंदौर और जयपुर है। मुंबई में कोरोना को रोकने के लिए मुंबई नगर पालिका यानी कि बीएमसी ने खास प्लान तैयार किया है। दरअसल बीएमसी ने संक्रमण फैलाने वाले इलाकों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट यानी कि SCQS टैबलेट बांटने का फैसला किया है। यह टैबलेट इलाके में रहने वाले लोगों को दिया जाएगा। हालांकि अभी बीएमसी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से मिलने वाली गाइडलाइन का इंतजार है। बीएमसी के पास 12 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट की रिसिप्ट है और पहले से ही संक्रमण वाले इलाकों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह टैबलेट दिया जा चुका है। हालांकि अभी लोगों में यह टैबलेट नहीं बांटा जा रहा है। बीएमसी ICMR से स्पष्टता लेना चाहती है कि क्या इसे उन क्षेत्रों में इसे वितरित कर सकते हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं।